वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र का वर्गीकरण और अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र हैं और अब तक भारतीय मूल के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है, ये मैंने बताया था। और आज हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड क्लास है और मैंने कल ही बताया था आपको कि मैं बताऊंगा राष्ट्रीय आय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक राष्ट्रीय आय, और ये हमारा इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास है। साथियों, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का वीडियो साथियों, आप वीडियो का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वहां साथियों आप 1 और 2 कवर कर लेना ताकि आपको आगे वाली की जो हमारी क्लास है वो बेहतर समझ आएगी। तो साथियों, राष्ट्रीय आय है क्या? तो साथियों, एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो एक वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। और साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी, तो राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना की गई थी। कब की गई थी? तो 1868 में की गई। कब की गई थी? 1868 में की गई थी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था। एक बार फिर से देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय का प्रथम गणना किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। साथियों, कब किया? तो 1968 में किया। कब किया? 1968 में किया। और प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 20 रुपया था उस समय। साथियों, और भी साथियों कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आय का गणना किया, जैसे कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? तो मेजर एल्विन वेरिंग और डेविड वेल्फर। साथियों, कौन? तो मेजर एल्विन वेरिंग और डेविड वेल्फर ने 1882 में किया था। और उस समय राष्ट्रीय आय कितना था? 27 रुपया साथियों था। लॉर्ड कर्जन ने साथियों किया था। कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो राष्ट्रीय आय का गणना किया गया था, कब किया गया था? साथियों, तो 1901 में किया गया था। कब किया गया था? 1901 में किया गया था और 30 रुपया किया गया। साथियों, फिफ्डले सिराज के द्वारा राष्ट्रीय आय का गणना कब किया गया? 1911 में किया गया। कितना रुपया किया गया? 49 रुपया किया गया। एक थे वांडिया और जोशी, तो वांडिया और जोशी ने कब किया? 1917 में किया। कितना रुपया? तो 44.30 रुपया। साथियों, राष्ट्रीय आय उन्होंने बताया। और एक थे वी के आर वी राव। साथियों, कौन थे? तो वी के आर वी राव, इनका पूरा नाम हो जाएगा विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजन राव। साथियों, क्या हो जाएगा? तो विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजन राव, इसका इनका पूरा नाम हो जाएगा। और इन्होंने वर्ष 1931 से 1932 में राष्ट्रीय आय का गणना किया था। और कितना रुपया किया था? तो 62 रुपया। एक बार साथियों इस पॉइंट को फिर से देखता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो एक वर्ष के दौरान जो हम उत्पादन करते हैं उस वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो होता है वो क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा, मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। साथियों, कब किया गया था? तो 1868 में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। मेजर एल्विन वेरिंग और डेविड वेफलर ने कब किया? तो 1882 में किया। कितना रुपया? 27 रुपीज। और साथियों, लॉर्ड कर्जन के बारे में कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की थी? तो साथियों, 1901 में किया गया था। और इनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? 30 रुपये। और साथियों, अब आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकारी अनुमान जो लगाया गया था राष्ट्रीय आय का, वो किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था ये अनुमान। और कब लगाया गया था? तो 1948 से 1949 में लगाया गया। साथियों, कब लगाया गया? तो 1948 से 1949 में। साथियों, अब साथियों आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? तो 1949 में। और इसका कार्य क्या था? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साथियों इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय आय समिति की। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। साथियों, और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो पीसी महल लोबिस थे। कौन थे? पीसी महल लोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई। कब हुई? 1949 में हुई।
और साथियों इस राष्ट्रीय आय समिति में कितने मेंबर थे? दो मेंबर साथियों थे। एक थे डॉक्टर आर गाडगिल। कौन थे? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर आर गाडगिल और दूसरे थे वी के आरवीरा। कौन थे? तो एक थे डॉक्टर आर गाडगिल और दूसरे कौन थे? तो वी के आर वी राव। अर्थात साथियों मैं अगर आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय आय समिति में कुल कितने मेंबर थे? तीन। एक अध्यक्ष जिनका नाम था पीसी महालोबिस और दो सदस्य थे, एक थे डॉक्टर आर गाडगिल और वी के आर वी राव। और साथियों ये जो रिपोर्ट आया था साथियों इसका कब आया था? 1951 में आया था। और इस रिपोर्ट के तहत राष्ट्रीय आय जो था वो कितना था? तो 8,650 करोड़ साथियों था। और प्रति व्यक्ति आय साथियों कितना था? तो 246.9 रुपया था। कितना रुपया था? 246.9 रुपीज साथियों प्रति व्यक्ति आय साथियों राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा आकलन किया गया था। अब साथियों फिर से एक बार देखते हैं तो राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। उसमें इसमें कुल कितने मेंबर थे? तीन मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालोबिस। सदस्य कौन साथियों थे? तो डॉक्टर आर गाडगिल और वी के आर वी राव थे। इस राष्ट्रीय आय समिति ने रिपोर्ट कब दी? 1951 में रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में साथियों प्रति व्यक्ति आय कितना आया? तो 246.9। और राष्ट्रीय आय कितना आया? तो 8,650 करोड़ साथियों। अब साथियों आगे देखते हैं। साथियों राष्ट्रीय आय के आंकड़े का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक राष्ट्रीय आय के आकलन का वित्तीय वर्ष होता है। साथियों राष्ट्रीय आय का आकलन करता कौन है? सीएसओ साथियों करता है। कौन करता है? सीएसओ। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या हो जाएगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और सीएसओ की स्थापना कब हुई? 1951 में हुई साथियों। कब हुई? तो 1951 में सीएसओ की स्थापना हुई। आपको साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में कि सीएसओ की स्थापना किस तारीख को हुई थी और किस महीने में हुई थी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और इस सीएसओ की मदद कौन करता है? तो साथियों इस सीएसओ की मदद करता है एनएसएसओ अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस साथियों। कौन करता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस साथियों। अब साथियों देखो एक वर्ष साथियों था 2019। क्या वर्ष था? तो 2019 साथियों। 2019 में साथियों क्या किया गया? सीएसओ को अर्थात साथियों किसको? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और एनएसएसओ को। किसको? एनएसएसओ अर्थात साथियों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इस दोनों को साथियों मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। और इसका नाम क्या कर दिया गया? एनएसओ कर दिया गया साथियों। एनएसओ मतलब साथियों क्या कर दिया गया? तो नेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक ऑफिस कर दिया गया साथियों। क्या कर दिया गया? एनएसओ कर दिया गया साथियों। तो साथियों इसका नाम एनएसओ मतलब साथियों क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका पहले नाम क्या था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस साथियों था, अब वह क्या हो गया साथियों? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। कब हुआ? 2019 में हुआ साथियों। तो साथियों ये था आपका राष्ट्रीय आय से साथियों आज का टॉपिक हमारा। अब साथियों एक प्रश्न यहां से बनता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? क्या बनता है प्रश्न हमारा? कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है साथियों साइमन कंजुनेंस। कौन है? तो साइमन कंजुनेंस। कौन है साथियों? तो साइमन कंजुनेंस साथियों राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता है साथियों। तो साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि आज मैंने आपको राष्ट्रीय आय के संबंध में क्या बताया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय है क्या साथियों। तो एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। और राष्ट्रीय आय की गणना किस व्यक्ति के द्वारा 20 रुपया किया गया? तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया साथियों। और दादा भाई नेहरू जी ने प्रति व्यक्ति आय साथियों इसका आकलन कब किया था? तो 1868 में किया था। उसके बाद साथियों बहुत सारे व्यक्तियों ने किया, जैसे कि मेजर एल्विन वेलिंग और डेविड वेलफर ने किया 1882 में किया 27 रुपया। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किया 30 रुपया। फिर डले सिराज ने 1911 में किया 49 रुपया।
और वांडिया और जोशी ने 1917 में किया कितना रुपए साथियों, तो 44.30 रुपया साथियों। और वी के आर वी राव साथियों, इसका पूरा नाम क्या है, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजन राव, इसने कब किया तो 1931 से 32 में किया कितना रुपया, 62 रुपये साथियों। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकारी अनुमान किस मंत्रालय के द्वारा लगाया गया, तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था, 1948 से 49 में लगाया गया था। राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो पीसी महान लोबी थे। और साथियों इसमें दो मेंबर और भी थे, एक थे डॉक्टर आर गाडगिल और दूसरे थे वी के आर वी राव, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजन राव साथियों। और साथियों आगे मैंने बताया कि राष्ट्रीय आय के आंकलन का वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो साथियों 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और इसका आकलनकर्ता कौन है, CSO, जिसका नाम वर्तमान में क्या है, NSO। CSO का नाम NSO कब हुआ, 2019 में हुआ साथियों। साथियों CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस और NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और NSSO को क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय साथियों, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को हिंदी में बोलेंगे साथियों। तो आज आपको साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों कि एक कथन था साथियों, किसने कहा था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और साथियों ये था हमारा आज का टॉपिक, फिर मैं कल मिलूंगा तो क्लास 4 के साथ साथियों मिलूंगा, और आगे बताऊंगा कि आगे साथियों कौन कौन सी योजनाएं आई साथियों, जैसे कि पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊंगा, और भी जो हमारा टॉपिक होगा सब क्लियर करेंगे साथियों। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा साथियों, घरेलू उत्पाद साथियों क्या होगा, बाजार कीमत क्या होगा, ये सारे कल हम देखेंगे साथियों। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।